क्या हाल दोस्तों, मैं निखिल भार्गव स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल निखिल भार्गव एनमी पे। और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि बहुत महीनों से वीडियो नहीं आ रही है। कुछ सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ वीडियो लेके आओ, लेकिन हमारा ही मन नहीं था वीडियो लाने का, पर चलो आज मन बना इसलिए आज हम करने जा रहे हैं जो पोइम कुबला खान है उसके क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, डज द पोइम हैव अ रियल जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब क्या यह कविता वास्तविक भौगोलिक स्थिति प्रकट करती है, मतलब जो इसके अंदर जो दिखाई गई लोकेशन है वो क्या रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। हाउ डज द पोइट मिक्स अप द रियल एंड द इमेजनरी टू गिव अ सेंस ऑफ सरल। ठीक है, मतलब कवि ने रियलिटी प्लस इमेजिनेशन दोनों को जो ऐड करके जो चीज़ बनाई है वो किस प्रकार से है, मतलब कैसे मिक्स किया है, वो इस क्वेश्चन के अंदर इस आंसर के अंदर हम जानेंगे। तो आंसर कुछ इस प्रकार है, द पोइट इज़ ए मास्टर इन द आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सुपर नेचुरल विजन एज रियल। जो हमारा कवि है वो क्या एक मास्टर है प्राकृतिक दृश्यों को क्या दिखाने के लिए, वास्तविक दिखाने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर ऐसी कला है कि वो प्राकृतिक दृश्यों को रियल दिखा सकता है, ऐसे लगता है कि रियल है जब वो पोइम के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है। द प्लेस लाइक ज़िनेडू एग्जिस्ट नो वेयर नोर इट एग्जिस्टेड इन द पास्ट। मतलब जो प्लेस थी ज़िनेडू वो ना तो आज है ना ही पहले कभी थी पास्ट के अंदर। ओनली एबिसिनिया जो नाम है जो इस पोइम के अंदर आया था उसको आजकल हम इथोपिया कहते हैं जो कि अफ्रीका के अंदर है। पोइट डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकर्ड रिवर एल्फ फर्टाइल लैंड वॉल्स टावर गार्डन स्ट्रीम्स विद ब्राइट वाटर एंशियंट फॉरेस्ट ग्रीनरी सीडान ट्रीज लुक्स रियल। मतलब ये तो नॉर्मली हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लो फर्टाइल लैंड हो सकती है, टावर हो सकते हैं, गार्डन स्ट्रीम, ये तो नॉर्मली हो ही सकते हैं, तो ये तो रियल मान सकते हैं हम इन चीज़ों को। ऑन दी अदर हैंड वेनिंग मून सनलेस सी डेमोन लवर माइटी फाउंटेन एंड मैजिकल डिस्क्रिप्शन सीम मोर लाइक अ ड्रीम देन रियलिटी। जैसे कि हम कह सकते हैं डेमोन लवर मतलब अपने दैत्यपति के लिए जो रो रही थी लेडी, ठीक है, वो ऐसे थोड़ी है कि किसी का पति मतलब राक्षस थोड़ी हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या लगती है, ऐसे लगता है कि एक सपने जैसे है ना कि वास्तविकता। इन दिस वे पोइट हैज़ मिक्स अप द रियल एंड इमेजिनरी टू गिव सेंस ऑफ द सरल। तो इस सेंस के अंदर कभी नहीं क्या है कि दोनों चीज़ को मिक्स करके ये पोइम बनाई है। तो दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, कॉन्ट्रास्टिंग इमेज दैट आर जस्ट अपोज्ड थ्रू आउट द पोइम। अंतर बताने वाली छवियां जो कविता में पास पास रखी गई हैं उन्हें एकत्र कीजिए। जैसे कि सनलेस सी वेनिंग मून इमेजिंग मोशन एंड द होली ड्रीड आर द कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस इन दी पोइम। जैसे धूप से रहित सागर, क्षीण चंद्रमा, भूल भुलैया वाली गति और पवित्र भय कविता में विषमता बताने वाली छवियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, इमेजिंग दैट स्ट्राइक द आई एंड इमेजेस दैट स्ट्राइक द ईयर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ऐसी कौन सी चीज़ें जो कवि ने इस पोएम के अंदर लिखी है जो हमारे कानों और आंखों को स्पर्श करती है, चाहे पॉजिटिवली या फिर नेगेटिव। तो इस प्रकार देखते हैं क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं। पहला है गार्डन ब्राइट विद सीनियस रील्स, एंशियंट फॉरेस्ट एंड ग्रीनरी, ए माइंटी फाउंटेन, रीबाउंडिंग हेल्स, शेफिक ग्रेन, डांसिंग रोके, वेलिंग वुमन, वार प्रोफेसी एंड म्यूजिक ऑफ डल्सिमर। ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे आंखों और कानों को थोड़ा सा क्या है लुभावना या कह सकते हैं थोड़ा सा आश्चर्यचकित कर देती हैं। जैसे मान लो घुमावदार सरिताओं से युक्त गार्डन, ठीक है, उसके बाद में एंशियंट फॉरेस्ट पुराने जंगल, ग्रीनरी, ठीक है, और माइटी फाउंटेन छोटा सा फवारा, रिबाउंडिंग हेल, ठीक है, उछलते ओलों के बौछार, या फिर कह सकते हैं कि डांसिंग रॉक मतलब नाचती हुई चट्टानें, वार प्रोफेसी मतलब युद्ध की भविष्यवाणियां, या फिर म्यूजिक ऑफ डल्सिमर। ये सब चीज़ें क्या है हमारे आंखों और कानों को थोड़ा सा स्पर्श करती है, स्ट्राइक करती है। उसके बाद में थर्ड इसके अंदर है, द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ वाटर। पानी की गति को दर्शाने के लिए जो शब्द यूज़ किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें से है रेन डाउन नीचे की ओर, या फिर कह सकते हैं शीनियस मतलब घुमावदार, बर्स्ट फोर्स्ड, वैल्यूटेड, रीबाउंडिंग, मोशन, मिंडरिंग, रीच डेंस हैं। ये सारे वर्ड जितने भी यूज़ किए गए हैं पोइम के अंदर वो किसके लिए यूज़ किए हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर पानी की गति के लिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 3, व्हाट इज़ द डिस्कॉर्डेंट नोट हर्ड एट द एंड ऑफ थर्ड स्टेंजा। डिस्कॉर्डेंट नोट होता है मतलब कुछ असंगत आवाज़ क्या थी थर्ड स्टेंजा के अंदर, जो थर्ड स्टेंजा खत्म होने वाला था वहाँ पे। कैन वी रिलेट दिस टू द ग्रैंडियर एंड टर्मोइल दैट आर पार्ट ऑफ एन एम्परर लाइफ। तो क्या हम जो थर्ड स्टेंजा के अंदर डिस्कॉर्डेंट नोट था उसको हम क्या रिलेट कर सकते हैं एम्परर की लाइफ से। एम्परर की लाइफ के अंदर क्या है, बहुत से अलग अलग फेज़ आते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है एम्परर का लाइफ होता है उसके अंदर जो उसके साम्राज्य के लोग होते हैं वो उसके खिलाफ़ क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों क्यों कर सकते हैं, अगर वो उनकी बात ना माने या उनके वेलफेयर के बारे में ना सोचे तो लोग क्या है एम्परर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। तो इसके अंदर थर्ड स्टैंजा के अंदर ऐसा क्या था जिससे ऐसा लग रहा है कि मतलब एम्परर की लाइफ का एक पार्ट दिखा रहा है, तो वो कुछ इस प्रकार था, द शेडो ऑफ डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिड अवे ऑन द वेव्स। मतलब
तीसरे जो हमारा अनुच्छेद था उसके अंत में दिखाया गया है कि जो कुबला खान का शासन था वो बीच रास्तों में लहरों पर तैरने लगा है, अर्थात लहरों के बीच कुबला खान ने अपने डूबते हुए राज्य को देखा। तब राज्य कब डूबेगा, जब उसके लोग खुश ना हो या राजा के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हो तो ऐसा लगेगा कि अब साम्राज्य डूब रहा है। तो ये जो लाइन है ये डिस्कॉर्डेंट नोट है, ठीक है, ये क्या है, एम्परर की जो लाइफ होती है उसका एक पार्ट दिखाई सा दे रहा है। तो हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। इज लाइफ ऑफ ग्रैंडियर, ग्रैंडियर होता है मतलब वैभवपूर्ण, जो एक अच्छी लाइफ चल रही होती है राजा की, वो उसको क्या है, मे हैव टू फेस टर्मोइल, टर्मोइल मतलब कुछ उथल पुथल या जन आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है राजा को। इफ़ ही बिकम अनमाइंडफुल ऑफ द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, अगर वो भला ना सोचे अपने साम्राज्य के लोगों का, ठीक है, तो क्या हो सकता है, उसका जो वैभवपूर्ण जीवन है वो उथल पुथल हो सकता है। उसके बाद में विच आर द लाइन्स दैट रेफर टू मैजिकल एलिमेंट्स, ऐसी कौन कौन सी लाइन है जो ऐसे लगता है जादुई तत्व है, ठीक है, जादुई तत्व वो बताने वाली लाइनें हैं, तो वो आप देख सकते हैं। एंड फ्रॉम दिस चेज्म विद सीजलेस टर्मोइल सीडिंग दैट सनी डोम एंड द केव ऑफ आइस एंड ऑल शुड क्राई बी वेयर बी, अलग अलग है, कोमा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ए स्टेटली प्लेज अ डोम डिक्री अनफोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी अनसेस्ट्रल वॉइस प्रोफेसिंग वॉर, ये सनी प्लेज अ डोम विद केव ऑफ आइस, ये सारी चीज़ें ऐसी लग रही है थोड़ी सी मैजिकल है, ना कि रियलिस्टिक है। उसके बाद में वट इज़ पोइटिक एकेस्टी लाइक टू, इसका आंसर कुछ इस प्रकार है, कुबला खान बिल्ड्स ए सनी प्लेजर डोम विद केव ऑफ आइस एंड द पोइट आल्सो वांट्स टू बिल्ड ए सनी डोम एंड केव ऑफ आइस, ठीक है, जो हमारा कुबला खान है उसने क्या है, गुफाओं से युक्त एक विशाल साम्राज्य बनाने की सोची, ठीक है, निर्मित करता है, उसी प्रकार जो हमारा कवि है वो भी एक साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। तो ये दो एक चीज़ तो इनमें कॉमन है, लेकिन कुबला खान सीजे स्क्रोचिंग हीट, मतलब कुबला खान झुलसाने वाली गर्मी को ग्रहण करता है, झुलसाने वाली गर्मी को कह सकते हैं कि उसने बहुत से लोगों का कत्ल किया है, बहुत से लोगों को मारा है, लेकिन हमारा जो पोइट है, हमारा पोइट है वो लोगों को क्या दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, ठीक है। इन पोइट पार्ट पीपल गेट नॉलेज, पोइट के पार्ट में क्या होता है कि जो हम लोग हैं वो नॉलेज लेते हैं, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस मतलब कोई जनहानि नहीं होती, और केव एंड देयर केव एंजॉय इंटरनल पीस, इटरनल पीस, ठीक है। तो इसमें क्या फ़र्क है कि जो हमारा पोइट है उसकी जो पोइम होती है वो पढ़कर लोगों को नॉलेज मिलता है, ठीक है, कोई जनहानि नहीं होती, लोग आराम से रहते हैं, और उनके जो दिल हैं लोगों के वो क्या है, उनको क्या मिलती है, एक शाश्वत शांति मिलती है पोइम को पढ़ने के बाद, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस दिखाया गया है कुबला खान और हमारे पोइट के बीच में। द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन, द पोइम इज़ अ फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट क्या होता है, मतलब अपूर्ण अधूरी है हमारी पोइम। व्हाट डू यू थिंक हैज़ मेड इट ए लास्टिंग लिटरेरी पीस, हमारी पोइम अधूरी है लेकिन फिर भी ये लास्टिंग मतलब स्थाई लिटरेरी पीस मतलब साहित्यिक कृति कैसे है, मतलब ये लिटरेचर का पार्ट है कैसे है, क्यों लिटरेचर का एक पीस है, क्यों है, हालांकि ये है तो अधूरी पर क्यों है, चलिए जानते हैं। दो दिस इज़ एन इनकम्प्लीट पोइम, हम मानते हैं कि एक इनकम्प्लीट पोइम है, फिर भी यह क्या है, एक लिटरेरी पीस है, एक साहित्यिक कृति है, क्यों है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंटेशन ऑफ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स एज रियल, ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो कवि हैं उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट को रियल दिखा दिया है, ऐसा ऐसे शब्द यूज़ किए हैं कि हमको लगता ये सब रियलिटी है, ठीक है। उसने पैरलिज्म, कॉन्ट्रास्ट, पैथेटिक फॉल्सी, पैराडॉक्स, पर्सोनिफिकेशन का यूज करके इस पोइम के अंदर सात समुद्रों का पानी भर दिया है। इस पोइम को इन्होंने क्या है, फ्रेगमेंट माना है, मतलब अधूरी मानी है। तो इस फ्रेगमेंट के अंदर कवि ने इन सभी चीज़ों का प्रयोग करके सात समुद्र का पानी भर दिया इस एक पोइम के अंदर। तो यही थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर, आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।